बात है 2 अक्टूबर 1991 की, जब इलाहाबाद यूपी के एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में एक लड़के का जन्म होता है। उसकी माँ एक हाउसवाइफ थी और उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाया करते थे। उसने अपनी स्कूलिंग इलाहाबाद बिशप जॉनसन स्कूल से पूरी की। बचपन में ही उसने अपने मन में IIT का सपना बुन लिया था, पर फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होने की वजह से उसे अच्छी कोचिंग नहीं मिल सकी, क्योंकि पेरेंट्स स्कूल फी और ट्यूशन फी बहुत मुश्किल से अरेंज कर पाते थे। अब स्कूल खत्म हुई तो बात आई कॉलेज की। बच्चों की पढ़ाई में किसी तरह की अड़चन ना आई, इस वजह से उनके फादर ने खर्चे निकालने के लिए अपना घर बेच दिया और बेटे का एडमिशन कानपुर यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड और कोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करा दिया। इसी बीच इस लड़के के फादर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। हर दिन के साथ हालत बद से बदतर होते जा रही थी और अब उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। इलाज पर बहुत ज्यादा खर्च होने लगा और 1 साल के अंदर अंदर ही इलाज, दवाइयाँ और 2 सर्जरी में उनका सारा पैसा खत्म हो गया। फैमिली को सपोर्ट करने और थोड़ा बहुत खर्चा निकालने के लिए उस लड़के ने अपने जूनियर्स को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। लगभग 1.5 साल तक वो कॉलेज से घर, घर से कॉलेज और कॉलेज से हॉस्पिटल, बस ये स्ट्रगल करते रहा। फाइनली पापा ठीक हो गए, पर उस लड़के के सामने एक नई मुसीबत आ गई। उसे कॉलेज में दी जा रही थ्योरेटिकल नॉलेज पसंद नहीं आ रही थी। टीचर थ्योरीज को रटवा रहे थे और स्टूडेंट रट्टा लगाते जा रहे थे। उसका दिमाग खराब हो गया, वो फ्रस्ट्रेशन में आ गया और बीटेक के 3rd ईयर में आकर उसने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया। घर वाले बहुत ज्यादा परेशान और निराश हो गए, पर उन्हें सबसे ज्यादा टेंशन इस बात की थी कि पढ़ाई के द्वारा लिया गया 2 लाख का लोन कैसे चुकाया जाएगा। एक दिन वो घर के पास कैफे में बैठा हुआ था, जिसका नाम चाय वाला कैफे था। उसकी बहन उसके पास आकर बोली, भाई एक बार और सोच ले, नहीं तो तू भी चाय वाला ही बनेगा। उस लड़के ने फटाक्स अपनी बहन को जवाब दिया, मैं चाय वाला नहीं, फिजिक्स वाला बनूंगा। बच्चे फिजिक्स में कमजोर है, उन्हें फिजिक्स पढ़ाऊंगा। बहन को लगा मेरा भाई पागल वागल हो गया है, पर लड़के के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने एक लोकल कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया, जहां उसे 3000 रुपए की सैलरी दी जा रही थी। बहुत कम टाइम के बाद वो बच्चों का फेवरेट टीचर बन गया और कुछ सैलरी भी बढ़ गई। पर अभी भी वो अंदर से सेटिस्फाइड नहीं था। मार्केट में IIT, JEE और NET के एग्जाम्स के लिए कोचिंग वाले बहुत मोटी फीस वसूल कर रहे थे। वो हमेशा यही सोचता रहता था कि उसके जैसे गरीब बच्चे ये सब कैसे अफोर्ड कर पाएंगे। इंटेलिजेंट और गरीब बच्चों के इरादे के लिए उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और एक फ्री ट्यूटोरियल वीडियो बनाने के लिए कंटेंट लिखने लगा। खुद का ध्यान ना भटके और लड़कियों की तरफ उसका ध्यान ना जाए, इसलिए उसने मुंडन करवा लिया। 2017 में इसने 5 घंटे का ट्यूटोरियल वीडियो बना के यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। धीरे धीरे स्टूडेंट उसकी वीडियो को देखने लगा और चैनल को सब्सक्राइब करने लगे। उसे यूट्यूब से इनकम मिलने लगी, उसे और ज्यादा मोटिवेशन मिला और अब वह पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं था, क्योंकि वह स्टूडेंट्स को आसान भाषा में पूरी एक्टिंग के साथ पढ़ाता था। अभी आया 2020 और कोरोना वायरस का हाहाकार शुरू हो गया। स्कूल्स बंद हो गए, कॉलेजेस बंद हो गए और बच्चे ऑनलाइन पढ़ने का कंटेंट ढूंढने लगे और आकर कंप्लेंट करने लगे कि आप एक स्पेसिफिक निश पे ही वीडियो बनाते हो, पर हमें तो बाकी सब्जेक्ट्स का भी कंटेंट चाहिए। JEE NET को करेक्ट करने के लिए ट्यूटोरियल चाहिए। इसी कोविड के बीच दूसरी अटैक कंपनी जैसे वेदांतु और बायजूस मार्केट में अपने पैर जमाते जा रही थी, पर ये सभी बहुत ज्यादा फीस चार्ज करते थे, जो 100 में से 5 या 6 बच्चे ही अफोर्ड कर पाते थे। अब यूट्यूब के जरिए बहुत सारे स्टूडेंट भी थे और सबको कोचिंग की जरूरत भी थी। उसे एक जबरदस्त आइडिया आया और उसने बच्चों के लिए प्रतीक महेश्वरी के साथ कोलैब किया, जो कि पहले से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड स्टार्टअप एक्सपर्ट थे। प्रतीक के साथ मिलकर उन्होंने एक लर्निंग ऐप बनाया, जिसका नाम था फिजिक्स वाला, जहाँ पर बच्चे 999 रुपीज में पूरे साल कोचिंग ले सकते थे। मई 2020 में इस ऐप को लाइव किया गया और पहले दिन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बच्चे आ गए और ऐप क्रैश हो गया। उसने और उसकी टीम ने कड़ी मेहनत की और 10 दिन के बाद ऐप को सक्सेसफुली रेडी कर लिया गया। और इतनी सारी मुश्किलों के बाद आज फिजिक्स वाला मात्र 2 साल में 8000 करोड़ की कंपनी बन गई है। तो दोस्तों, ये सुपर इंस्पायरिंग स्टोरी अलक पांडे सर की। तो अलक पांडे सर की लाइफ से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।